Hi everyone, welcome to BitSize Academy. So in this lesson we are going to see the Hindu newspaper as well as editorial analysis of Saturday April 10, 2021. So this lecture is presented by me, Manish Chaudhary. So you can subscribe our channel BitSize Academy to make your preparation for UPSC, State PCS examinations, SSC, because in all government competitive examination there is a huge weight of current affairs. So you can subscribe our channel. So let us start this lecture. So first article related to tomorrow vaccination, tomorrow shortage. So COVID-19 वैक्सीन की जो बहुत सारे स्टेट्स में शॉर्टेज हो गए और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो भी कोविड जो सेंटर्स बनाए गए इसमें कोविड-19 वैक्सीन के जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ठीक है, वो अंडर कैपेसिटी चल रहा है, ठीक है, और बहुत सारे जो सेंटर्स है बिलो वो उन्होंने फंक्शन करना छोड़ दिया, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई ऑफ द कोविड 19 वैक्सीन, ठीक है. सो दैट इज़ वाई मेनी स्टेट्स हैव रिक्वेस्टेड दी सेंटर्स टू सप्लाई मोर नंबर ऑफ वैक्सीन, ठीक है. सो द आर्टिकल सेज वैक्सीनेशन गो डाउन एज द स्टेट फेस शॉर्टेजेस, ठीक है. सो मैनी ऑफ द स्टेट फेसेज द शॉर्टेज. सो लाइक वी हैव 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, ठीक है, and till today we have the stock of like 30 to 40 lakh doses, ठीक है, हम लोग 30 to 40 lakh doses हम लोग डेली एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं और हम लोग पास जो स्टॉक है वो केवल लगभग 10 to 15 days के लिए, ठीक है. सो इसके कारण क्या हो रहा है कि हम लोग का जो बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है वो हम लोग का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जो भी बेनिफिट है उसको एनरोल करने में प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है. सो बहुत सारे जो कोविड 19 जो सेंटर्स हैं इसमें वैक्सीन प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो उनके फंक्शन में हिंड्रेंस आ रही है, ठीक है. सो हम लोग ने अर्लियर हम लोग ने क्या गलती की कि हम लोग बहुत सारे अपने जो वैक्सीनेशन थे लगभग हम लोग 10 मिलियन वैक्सीन के जो डोजेस थे वो हम लोग ने एक्सपोर्ट कर दिए, ठीक है, और उसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारे जो इंडियन पीपल्स हैं उनको वैक्सीनेशन डोजेस लेने में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्योंकि जो वैक्सीनेशन है वो उनको जो इतने पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम लोग को जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा और इसके कारण बहुत सारे जो लोग हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पा रही है, ठीक है. सो द अमिंग थिंग इज सेकेंड वेव ऑफ कोविड 19 वैक्सीन जो अभी इमर्ज कर रही है, जो रैपिडली इंक्रीज कर रही है. सो मेनी स्टेट्स ग्रैपलिंग विद द वैक्सीन शॉर्टेज प्रॉब्लम, ठीक है, एंड वैक्सीनेशन सेंटर्स रनिंग आर बिलो देयर कैपेसिटी. सो बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो अपने कैपेसिटी जो जितना वो डे टू डे में वैक्सीन दे सकते हैं उसके कम कैपेसिटी में काम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है. सो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन सेड कि 13.5 करोड़ डोजेस आर अवेलेबल ऑन विद द 9.5 करोड़ डोजेस आर एडमिनिस्ट्रेड ऑन अंटिल फ्राइडे, ठीक है, एंड मेंटेनिंग 4 करोड़ डोजेस आइदर इन द पाइपलाइन, ठीक है. सो लगभग वी हैव इंडिया हैज़ एडमिनिस्ट्रेड 30 to 40 lakh डोजेस डेली. सो हमारा जो डोजेस जो डेली हम लोग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं वो लगभग तुम्हारा 30 to 40 lakhs है, ठीक है, और एग्जिस्टिंग स्टॉक वुड बी अवेलेबल फॉर 10 to 15 days. सो हम लोग का जो एग्जिस्टिंग जो स्टॉक है वो केवल 10 to 15 days के भी है और हम लोग अभी कवर अपना ह्यूज पॉपुलेशन को करना है, ठीक है. सो डिड वी और जो हमारा प्रोडक्शन जो हमारा हो रहा है वो इतना रैपिडली नहीं हो रहा है कि हमारा जो इतना 1.3 बिलियन पॉपुलेशन उसको यूज कवर कर ले, ठीक है. सो दिट विल क्रिएट अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम. सो कोविन पोर्टल डिस्क्लोजेस द रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन डोजेस एडमिनिस्टर्ड एंड नॉट क्लैरिफाई ऑन देयर एग्जिस्टिंग स्टॉक्स, ठीक है. सो कोविन पोर्टल जो बनाया गया है जिसमें ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि अभी तक कितने लोगों को हम लोगों ने वैक्सीन दिया है, ठीक है. सो इसमें जो वैक्सीनेशन जो हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो केवल दिखाया जा रहा है कि हम लोग कितने वैक्सीन लोगों को दे दिए लेकिन कितने लोगों को देना बाकी वो बताया नहीं जाता, ठीक है. तो उसमें कितने कितने स्टॉक्स की प्रॉब्लम है वो भी नहीं दिखाई जाती, ठीक है. सो रियल टाइम में क्या किन किन लोगों को वो सेंटर्स में आया और किन किन को वैक्सीनेशन नहीं मिला ये प्रॉब्लम उसमें हाईलाइट नहीं की जाती, ठीक है. सो उड़ीसा चीफ मिनिस्टर जो कि नवीन पटनायक साहब है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कैबिनेट मिनिस्टर्स को टू डील विद दिस प्रॉब्लम ऑफ वैक्सीन शॉर्टेज, ठीक है. बहुत सारे जो स्टेट्स है लाइक पंजाब है, उड़ीसा है और महाराष्ट्र है. सो बहुत सारे स्टेट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन लेकिन सेंटर्स ने बोला कि देर इज नथिंग अ प्रॉब्लम ऑफ वैक्सीन शॉर्टेज, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, ठीक है.
नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारा, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि पीपल आर फ्री टू चूज देयर रिलीजन, ठीक है. सो द सुप्रीम कोर्ट सेड द पीपल आर फ्री टू चूज देयर रिलीजन इवन एज वेरी वेरी हार्मफुल काइंड, ठीक है. सो पीपल आर फ्री टू चूज देयर रिलीजन, ठीक है, अंडर द आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन टू चूज प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपेगेट एनी रिलीजन, ठीक है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ. सो ये जो ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी और हेल्थ, इसके बेसिस पे गवर्नमेंट क्या है वो सर्टन रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है ऑन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बट इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन कि ही कैन चूज एनी रिलीजन ही वांट्स और ही लाइक्स, ठीक है. सो एक PIL फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बोला कि देर इज़ अ ह्यूज मास कन्वर्जन ऑफ रिलीजन इन द कंट्री, ठीक है. सो सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है. सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द राइट टू प्राइवेसी और राइट टू फेथ एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी, ठीक है. सो अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देर इज अ राइट ऑफ प्राइवेसी, ठीक है. अंडर द राइट टू प्राइवेसी देर इज अ राइट रिलीजियस फेथ, ठीक है. सो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द इनवायबिलिटी ऑफ द राइट टू प्राइवेसी equating it with the right of life and dignity and liberty. So right to privacy को Supreme Court ने equate किया right to life and dignity, ठीक है. और privacy is a very important for the every person, ठीक है. So this is about this article. Next article है तुम्हारा India's protest US naval exercise, ठीक है. So अभी recently क्या हुआ कि USA की एक navy है जो US navy 7th fleet है, उन्होंने क्या किया कि India की जो exclusive economic zone है उसमें विदाउट परमिशन इंडिया के दे इंटर दे सेज कि दे ट्राई टू प्रमोट आवर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन. सो दिस वायलेट द इंडिया सॉवरेंटी ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. सो दैट इज़ व्हाई द इंडिया हैज़ प्रोटेस्टेड और क्रिटिसाइज दिस एक्शन ऑफ US नेवी, ठीक है. सो इंडिया प्रोटेस्टेड द US डिसीजन टू कंडक्ट अ पेट्रोल इन इंडिया एक्सक्लूसिव जोन, ठीक है. Rejecting US claims that its domestic maritime laws was violation of international laws, ठीक है. सो ये जो domestic laws of US के देखोगे तो they tried to promote the freedom of navigation operation, लेकिन जो ये freedom of navigation operation है ये basically domestic laws है US की, ना कि international laws है. जो international law जो कि जो govern करती है maritime जो भी movements होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं UN clause, United Nations Convention on Law of Seas. सो ये जो लॉज है ये एक ओनली लॉज है जो कि गवर्न करती है इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ मैरिटाइम, जो भी शिप्स होती है, जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होती है, ठीक है. सो जो भी मैरिटाइम जो टेरिटोरियल जोन्स होते हैं उसको गवर्न करती है ये UN क्लॉज. लेकिन ये जो डोमेस्टिक लॉज है जो US की है फॉर द प्रमोशन ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, ये डोमेस्टिक लॉज है एंड इट बेसिकली ट्राई टू वायलेट द इंडिया सॉवरेंटी ऑफ इट्स exclusive economic zone or maritime zone, ठीक है. So the US Navy says that the India it has challenged the India's excessive maritime claims. So US बोल रही है क्या कि India has claimed excessive maritime, ठीक है. So अगर Indian Ocean को आप देखोगे तो Indian Ocean basically एक ऐसा ocean है जिसका नाम एक country के नाम पर दिया गया है, जैसे India, तो India के नाम पर Indian Ocean को रखा गया, ठीक है. और India always try to maintain its dominance in the Indian Ocean region फॉर इट्स सिक्योरिटी रीजन, ठीक है. और चाइना जैसे आप जानते हो कि फ्रॉम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक चाइना की पॉलिसी है, उसके थ्रू चाइना ट्राई टू कंट्रोल और डोमिनेंट इट्स पोजिशन इन इंडियन ओशन रीजन, ठीक है. सो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू चाइना इंडिया को घेरना चाह रहा है इंडियन ओशन रीजन में. सो इंडिया ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, लाइक IORA है, इंडिया बिकम द मेम्बर ऑफ IORA, ठीक है. फिर सागर है, सो और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स इंडियन गवर्नमेंट लिए है टू प्रमोट इट्स डोमिनेंस इन इंडियन ओशन रीजन, ठीक है. सो इंडिया नेवर वांट कि इसकी जो डोमिनेंस है अमंग द सार्क कंट्रीज, अमंग द इंडियन ओशन रीजन में उसकी डोमिनेंस खत्म हो जाए, ठीक है. दैट इज़ व्हाई द इंडिया ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन इट्स हेजेमनी इन इंडियन ओशन रीजन, ठीक है. सो US गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि इंडिया हैव क्लेम इट्स एक्सेसिव मेरीटाइम क्लेम्स. सो इसमें हम लोग इस आर्टिकल में उनको देखना है कि जो मेरीटाइम जोन्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है. सो मैरिटाइम जोन्स को अगर आप देखोगे तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट्स एज पर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ एंड सीज. सो UN क्लॉज के हिसाब से जो मैरिटाइम जोन्स होते हैं वो फाइव पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है.
पहला तुम्हारा होता है इंटरनल वाटर्स होता है, फिर तुम्हारा टेरिटोरियल सीज होता है, फिर कॉन्टिगुअस जोन्स होता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, फिर हाई सीज होता है। और तुम अगर तुम एरियाज देखोगे तो ये 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी होता है, फिर 12 नॉटिकल माइल्स से फिर कॉन्टिगुअस सीज होता है, फिर 200 नॉटिकल माइल्स से तुम्हारा एक्सक्लूसिव ईजेड होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, फिर हाई सीज तुम्हारा होता है, अब फिर तुम्हारा इससे आगे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो जोन डिवाइडेड होता है उसके बेसिस पे बहुत सारे राइट्स कंट्री को मिलते हैं, ठीक है, जिनकी भी मैरीटाइम सीस को टच करती है, तो जिसकी भी बाउंड्री जो सीस को टच करती है, ओशियंस को टच करती है, सो उनको मैरीटाइम जोन्स मिलते हैं, और उसके बेस पे वो कंट्री बहुत सारे राइट्स को इंजॉय करती है, ठीक है, इन देयर इंटरनल वाटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। सो इसमें हम तुम्हारा यूएन क्लॉज को देखेंगे। सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, यूएन क्लॉज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ सीज, डिवाइड्स मैरीटाइम और मराइन एरियाज इन 5 जोन्स, ठीक है, जैसे इंटरनल वाटर है, टेरिटोरियल सी है, कॉन्टिगुअस जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एंड हाई सीज। सो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तुम्हारा मैरीटाइम जोन्स को। तुम्हारा यूएन क्लॉज इज ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन है विच स्टिपुलेट अ फ्रेमवर्क फॉर द स्टेट ज्यूरिसडिक्शन इन मैरीटाइम स्पेस। सो यूएन क्लॉज एक ऐसा ओनली इंटरनेशनल लॉ है जो कि डिफाइन करता है स्टेट ज्यूरिसडिक्शन इन द मैरीटाइम स्पेसेस, ठीक है, एंड इट प्रोवाइड अ डिफरेंट लीगल स्टेटस फॉर डिफरेंट मैरीटाइम जोन्स, एंड इट ट्राई टू डिवाइड डिफरेंट लीगल स्टेटस, मतलब डिफरेंट लीगल स्टेटस मतलब डिफरेंट लीगल राइट्स टू डिफरेंट मैरीटाइम जोन्स। सो इस मान लो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या राइट्स हो गए, ठीक है, इंटरनल राइट में क्या राइट्स हो गए, ये लीगली कौन डिफाइन करता है, यूएन क्लॉज, ठीक है। सो जो 5 पार्ट हम डिवाइड किए हैं उसमें क्या क्या राइट्स दिए गए हैं उसको हम देखेंगे। सो पहला तुम्हारा इंटरनल वाटर, सो इन द इंटरनल वाटर देर इज अ फुल सॉवरेंटी ओवर इट्स इंटरनल वाटर, ठीक है। सो एवरी जो स्टेट्स है जिसकी मैरीटाइम जोन्स है उसमें इंटरनल वाटर जितने आते हैं उसमें एक स्टेट्स की उसकी फुल सॉवरेंटी होती है, ठीक है, लाइक इट्स लैंड टेरिटरी, ठीक है। सो जैसे टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है वैसे इंटरनल वाटर में एक सॉवरेन स्टेट की फुल सॉवरेंटी होती है, और एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल वाटर इंक्लूड्स पोर्ट्स, रिवर्स, लेक्स दैट कनेक्टेड टू सीज, ठीक है, जैसे लेक्स है तुम्हारा चिल्का लेक, सो उसमें इंडियन गवर्नमेंट की सॉवरेंटी है क्योंकि वो इंटरनल वाटर के अंदर आता है। फिर तुम्हारा टेरिटोरियल सी है जैसे, सो द कोस्टल स्टेट्स हैव सॉवरेंटी एंड ज्यूरिसडिक्शन ओवर इट्स टेरिटोरियल सी, ठीक है, सो टेरिटोरियल सी में भी सॉवरेंटी होती है हर स्टेट की, ठीक है। सो दिस राइट्स एक्सटेंड नॉट ओनली टू सरफेस बट ऑल्सो टू सी बेड, सब सॉइल एंड एयर स्पेस, ठीक है। सो ये जो टेरिटोरियल सी में जो राइट्स होते हैं वो केवल सरफेस तक लिमिटेड नहीं होते बल्कि सी बेड, सब सॉइल एंड एयर स्पेस पे भी होते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे इमरान खान, उन्होंने जब श्रीलंका के विजिट में आना था तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करा कि दे शुड अलाउ टू यूज़ देयर एयर स्पेस, ठीक है, बिकॉज इट कम अंडर द इंडियाज टेरिटोरियल सी, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट अलाउ टू यूज इट्स, ठीक है, एयर स्पेस। नेक्स्ट तुम्हारा कंटिगुअस जोन है, सो अनलाइक द टेरिटोरियल सी द कंटिगुअस जोन ओनली गिव ज्यूरिसडिक्शन टू अ स्टेट ऑन द ओशियन सरफेस एंड फ्लोर, इट डज नॉट प्रोवाइड एयर स्पेस एंड स्पेस राइट, ठीक है। सो इसमें कंटिगुअस जोन में क्या होता है कि जो राइट्स मिलते हैं, जो भी ज्यूरिसडिक्शन मिलते हैं वो केवल ओशियन सरफेस में मिलते हैं, ठीक है, और फ्लोर में मिलते हैं, और इसमें देर इज़ अ नो कॉन्सेप्ट ऑफ एयर और स्पेस राइट, ठीक है। सो इसमें स्पेस राइट्स का कोई भी प्रोविजन नहीं है। फिर तुम्हारा नेक्स्ट जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इट बेसिकली एक्सटेंड टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम दिस बेस लाइन, ठीक है। सो बेस लाइन से जो तुम्हारा 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी एरिया रहेगा वो ई जेड में आता है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे राइट्स होते हैं जैसे सॉवरन राइट्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लोरिंग, कंजर्विंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, whether living or non-living, ठीक है, of the seabed and subsoil. So the every government which have exclusive economic zone, they can use their zone for maintaining natural resources, ठीक है, और use करना for the जो भी natural resources जो भी ease रहने पाई जाती है उसको अपने बहुत सारे natural development use कर सकते हैं, ठीक है। So unlike the territorial sea and the contiguous zone, EEZ only allows for the above mentioned resources right, ठीक है, and it does not give coastal states right to prohibit or limit freedom of navigation. So जो भी coastal states हैं उनके पास ये right नहीं होते हैं कि वो prohibit कर दें the limit of freedom of navigation और
ओ आर फ्राइड, ठीक है। सो उसके बाद आती है हाइसिस। सो हाइसिस कंसिडर्ड एज अ कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, एक कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड है एंड इट इज़ बियॉन्ड एनी नेशनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। सो हाइसिस में किसी भी गवर्नमेंट की ज्यूरिडिक्शन नहीं होती है, ठीक है, एंड इट इज़ बियॉन्ड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ एनी गवर्नमेंट, ठीक है, एंड इट इज़ डिस्क्राइब एज अ कॉमन हेरिटेज, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट इसको फ्रीली यूज़ कर सकती है फॉर देयर मैरिटाइम पर्पसेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारा कोविड 19 वैक्सीन से है। सो थ्री गिवन रेबीज वैक्सीन इंस्टेड ऑफ कोविड 19 वैक्सीन, ठीक है। सो फार्मेसी सस्पेंडेड इन दिस इन दी यूपी। सो यूपी में क्या गया कि कोविड 19 वैक्सीन की जगह क्या ये वैक्सीन की जो रेबीज की वैक्सीन दे दी गई। सो इसके कारण क्या होता है कि जो पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है इन द वैक्सीनेशन प्रोग्राम वो डिक्रीज होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे देश में वैक्सीनेशन के बहुत सारे शॉर्टेजेस हैं और अगर इन सभी जैसे केसेस अगर आएंगे तो वैक्सीनेशन के जो प्रति जो लोगों के बीच कॉन्फिडेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा और इसके कारण क्या होगा जो हम लोग बहुत सारे जो केसेस ऑफ फैटलिटी है जो बहुत सारे जो 50 ईयर्स ओल्ड पर्सन है 60 ईयर्स ओल्ड पर्सन है वो वैक्सीनेशन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और इसके कारण क्या होगा जो फैटलिटी रेट है जो डेथ रेट है वो इंक्रीज करेगी, जो नंबर ऑफ केसेस है वो इंक्रीज करेंगे। सो वी हैव टू स्टॉप दिस केसेस लाइक, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारा कैपिटल रिकॉर्ड ओवर 8.5 लाख केसेस सेकेंड हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक, ठीक है। सो दिल्ली में बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट तुम्हारा सिंगल डे जो नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज किए हैं अभी, ठीक है, लगभग 8,500 केसेस, ठीक है। सो दिल्ली गवर्नमेंट इन्हें बोला गया है कि दे विल ट्राई टू कंडक्ट अ दिल्ली सेरोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। सो इसमें उनको देखना है कि दिल्ली सेरोलॉजिकल सर्वे है क्या, ठीक है। सो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ये NCDC इन कॉलेब्रेशन विद गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ट्राई टू सो ये नेशनल सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल फर्स्ट जो गवर्नमेंट है तुम्हारा NCR की वो ट्राई टू कंडक्ट दिस दिल्ली सेरोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। और सेरोलॉजिकल सर्वे सीक्स टू असेस द प्रिवलेंस ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन बाई डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस, ठीक है। सो इट ट्राई टू असेस द डिजीज इन द पॉपुलेशन बाई डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, ठीक है। सो एंटीबॉडीज के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कितने डिजीज के प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और अगर इसके बेनिफिट देखोगे तो सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेस्ट एवरी वन इन द पॉपुलेशन सेरोलॉजिकल स्टडीज आर यूज एज अ टूल टू मेक एन एस्टिमेट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डिजीज स्प्रेड इन द कम्युनिटी। सो हम लोग हर पर्सन का हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि इफ दे आर इम्पैक्टेड बाई द कोविड 19 और नॉट। सो दैट इज़ वाई वी हैव यूज दिस सेरोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है, जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि जो स्प्रेड जो हो रही है उसमें कितनी पोटेंशियल, ठीक है। सो द एक्सटेंट ऑफ डिजीज स्प्रेड हम लोग इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। और ये द टेस्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई द ICMR फॉर इट हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिटी। सो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस जो सेरोलॉजिकल स्टडीज है इसको अप्रूव करा है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कोविड 19 केसेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारा इंडिया रशिया रिलेशन है, ठीक है। सो इंडिया रशिया रिलेशन मस्ट इंश्योर द रिलेशनशिप नॉट स्ट्रेंड बाई द चेंजेस रियालिटी। सो रिसेंटली रशियन जो फॉरन मिनिस्टर से उन्होंने विजिट करा पाकिस्तान को। रशिया ट्राई टू स्ट्रेंथन द मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दिस आर्टिकल्स कम आउट, ठीक है। सो रशिया फॉरन मिनिस्टर विजिट दिल्ली दिस विजिट टू मेक अ प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग विजिट ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फॉर इट्स एनुअल समिट। सो रशियन प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है वो आने वाले हैं। सो उसके प्रिपरेशन के लिए रशियन के फॉरन मिनिस्टर्स ने इंडिया में अभी उन्होंने आया, ठीक है। सो बोथ साइड हैव अपीयर्ड टू मेक प्रोग्रेस इन द स्ट्रेटजिक ऑपरेशन लाइक कॉपरेशन इन एनर्जी न्यूक्लियर एंड स्पेस सेक्टर्स, ठीक है। फ्रीडम ट्रेड एग्रीमेंट लाइक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। एंड दे ऑल्सो डिस्कस एग्रीमेंट ऑन द मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन फॉर द जॉइंट प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया इंडिया मेड रशियन वेपन्स, ठीक है। एंड दे ऑल्सो दे डू नॉट डिस्कस अबाउट द 5 trillion जो डील हुई हमारा S-1400 मिसाइल सिस्टम। एंड दे ऑल्सो डिस्कस अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन कनेक्टिविटी लाइक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। फिर तुम्हारा चेन्नई व्लादिवोस्तक ईस्टर्न मेरी टाइम कॉरिडोर, ठीक है।
सो इस कनेक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात करा, ठीक है। सो रिसेंटली अगर इंडिया और रशिया के रिलेशन को देखें तो इंडिया रशिया का रिलेशन बहुत ही अच्छा रहा है इन द पास्ट डिकेट्स, ठीक है। सो ऑन अफगानिस्तान देखोगे तो रशिया पुश फॉर ब्रिंगिंग तालिबान इन टू द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन काबुल सीम्ड टू कम अगेंस्ट द इंडियाज कंसिस्टेंट पुश फॉर डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान। सो रशिया क्या कि वो अफगानिस्तान में कॉन्स्टेंटली तुम्हारा सपोर्ट करती है तालिबान टू शेयर पावर, ठीक है, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट करती है टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन भी होते हैं तुम्हारे रशियन गवर्नमेंट में और इंडियन गवर्नमेंट में, लेकिन हम लोग को वी हैव टू मेंटेन अ गुड रिलेशन बिटवीन दी रशिया एंड इंडिया, ठीक है। एंड रशिया जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी रेफरेंस दिया है कि द क्वाड जो कि जिसमें इंडिया भी मेंबर है, इट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ एशियान नाटो। सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो है वो बेसिकली एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इन दी अटलांटिक एरियाज, ठीक है। लेकिन ये जो एशियान एशिया एशियन रीजन में जो क्वाड जो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है इसमें फोर मेंबर्स जैसे जापान है, यूएसए है, तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। सो इसमें बोला गया कि इट इज़ बेसिकली काइंड ऑफ एशियान नाटो, ठीक है। सो इंडिया हैव रिजेक्टेड दिस क्लेम। सो वी हैव टू मेंटेन अ गुड रिलेशन, ठीक है, वी हैव टू बैलेंस अ गुड रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड रशिया। सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारा इंडिया चाइना टॉक्स अगेन फॉर द फोकस ऑन डिगेजमेंट फ्रॉम द पेट्रोलिंग पॉइंट्स एट गोरजा एंड हॉट स्प्रिंग। सो जो 11th राउंड ऑफ तुम्हारा कमांडर जो टॉक्स हुई थी बिटवीन इंडिया एंड चाइना फॉर द वॉकआउट फॉर द एग्रीमेंट फॉर द डिसएंगेजमेंट इन द ईस्टर्न लद्दाख, ठीक है। सो 11 टॉक्स अभी चल रही है फॉर द डिसएंगेजमेंट इन द स्ट्रेट लद्दाख रीजन, ठीक है, फ्रॉम द पेट्रोलिंग पॉइंट एट गोरजा एंड हॉट स्प्रिंग, ठीक है। जो हमारा जो प्रीवियसली डिसएंगेजमेंट हुआ था, ठीक है, उसमें तुम्हारा डिसएंगेजमेंट हुआ था फ्रॉम द साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग लेक, ठीक है, और अभी बात हो रही है तुम्हारा गोरजन एंड हॉट स्प्रिंग एरिया से तुम्हारा डिस एंगेजमेंट की बात की गई है, ठीक है। तो ये तो डे टू डे तुम्हारा बात चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। सो वी हैव ऑल्सो लॉन्च कोर्स ऑन एनवायरमेंट एमसीक्यूज, ठीक है। सो इसमें हम लोग लगभग 5 to 6 एमसीक्यूज डेली सॉल्व करते हैं, ठीक है, और अंडर द इनिशिएटिव ऑफ प्री बूस्ट, ठीक है। सो आप इस सेक्शन को भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग अस। सो थैंक यू।